ओके तो रेबेल द वेब सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जो कि एक टीन ड्रामा सीरीज की रीमेक है। मतलब सेम नाम की वेब सीरीज पहले भी आ चुकी है, तो ये इस बार ये नेटफ्लिक्स की तरफ से आई है। बात करते हैं ये सीरीज कैसी है। वेल, सीरीज में 8 एपिसोड है जो कि 35 से 45 मिनट के लगभग प्रेजेंट किए गए हैं। इस सीरीज की सबसे मस्त बात ये है कि इस सीरीज में फालतू के सीन्स दिखाकर इसको लेंथी नहीं बनाया गया, मतलब सही से ये रन कर पाती है। तो इस सीरीज की स्टोरी इलाइट सीरीज से काफी इंस्पायर्ड लगती है। कुछ कैरेक्टर तो सेम ऐसे ही लगते हैं जैसे कि इलाइट में हमने देखे थे, और फिर वही स्कूल ड्रामा। इसकी कहानी कुछ ऐसी है जहां कुछ स्टूडेंट एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करते हैं और म्यूजिक सीखने जाते हैं। जैसे कि ये सीरीज का न्यूक्लियस म्यूजिक के कॉन्सेप्ट पे है, तो उन्हें कॉम्पिटिशन में जीतना है, और उसी सब में कैरेक्टर्स के बीच क्या क्या ड्रामा चलता है, क्या कुछ मिस्टीरियस चीजों को भी दिखाया गया है, वही सब इस सीरीज को एंगेजिंग बनाता है। जैसे कि सीरीज की थीम म्यूजिकल ड्रामा पे बेस्ड है, तो बीजीएम और सॉन्ग्स काफी सही लगते हैं। बस कुछ समझ नहीं आता बिकॉज वो स्पेनिश में है। बाकी पूरी सीरीज एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ आती है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो यही कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं देखने को मिला। ये सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सीरीज हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि इलाइट, 30 रीजन वाई जैसी सीरीज में। वैसे सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया लगती है, बस कैरेक्टर्स डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल बात करूँ तो अगर आपने इस टाइप की टीन ड्रामा सीरीज नहीं देखी तो शायद ये आपको खूब पसंद आएगी। और अगर आप प्रो ऑडियंस हैं तो इसमें कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, बस ठीक ठाक सा टाइम पास के लिए आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों की इस सीरीज को लेकर क्या राय है।